Guys, I Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is Daffodils by William Wordsworth. ठीक है, तो ये poem जो है वो first of all हम ये जानेंगे कि इस poem की story क्या है. इस poem की story line ये है कि जो हमारे poet हैं William Wordsworth, उनके brother की death हो गई थी. ठीक है, और उस sadness से ये अपने आप को overcome नहीं कर पा रहे थे, उस sadness से ये अपने आप को हटा नहीं पा रहे थे. और जैसे ही एक बार ये घूम रहे होते हैं और इन्हें डेफोडिल्स का पूरा एक यू नो डेफोडिल्स क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं. ठीक है, एक बहुत सुंदर कलर का फ्लावर, सुंदर सा फ्लावर होता है. ठीक है, तो जब ये घूम रहे होते हैं और जो ये नेचर होता है, जो ये ब्यूटी ऑफ द नेचर होता है, उसके वजह से इनका जो सैडनेस है किस तरह से एक ही सेकेंड में छूम अंतर हो जाता है, वही इस पोएम में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे कितना बड़ा सैडनेस हो जब आप अपने ब्यूटी सैडनेस सॉरी नेचर के ब्यूटी के पास जब आप जाते हैं, तब ये सब जो सैडनेस है, जो डिप्रेस्ड वाइब्स हैं, वो सब आपके लाइफ से खत्म हो जाती हैं. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. लोनली मीन्स अकेले, वंडर्ड मीन्स घूमना. तो मैं इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा था क्लाउड की तरह, जिस तरह से एक आसमान में आपने देखा होगा एक बादल जो होता है कभी इधर होता है कभी उधर होता है, उसी तरह मैं भी क्या हूँ, मैं भी इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा था. वेल्स हैलीज मतलब वैलीज के ऊपर, हिल्स के ऊपर, इन सब के ऊपर मैं इधर से उधर घूम रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और जब मैं घूम रहा था तब मैंने देखा अचानक से एक बहुत बड़ी भीड़ देखी. किस चीज की भीड़ देखी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. गोल्डन मीन्स येलोइश कलर, मतलब येलो कलर के डेफोडिल्स का पूरा एक बहुत बड़ा सा गार्डन मैंने देखा, बहुत बड़ा भीड़ देखा. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. वो नदी के बगल में भी थे, वो पेड़ों के नीचे थे, और हर जगह वो लग रहा था कि वो ठंडी ठंडी हवाओं में वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, मतलब हिल रहे थे. जब वो पौधे हिल रहे थे, फूल हिल रहे थे, तो पोएट को ऐसा सीन होता है कि जैसे कि वो सब ब्रीज में हवाओं में डांस कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में ये है कि पोएट जो है वो अपने आप को क्लाउड से कंपेयर करते हैं कि क्लाउड की तरह मैं इधर से उधर, उधर से इधर जब घूम रहा था, अचानक से मैंने भीड़ देखा. किसकी भीड़ देखा, डेफोडिल्स के भीड़ देखा, जो कि लेक्स के बगल में, ट्रीज के नीचे, हर जगह वो हमको दिखाई दे रहे थे. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जिस तरह से मिल्की वे में, जिस तरह से आसमान में बहुत ज्यादा एकदम मतलब हजारों की तादाद में जिस तरह से हम लोग को रात में सितारे दिखते हैं, उसी तरह जो ये डेफोडिल्स भी थे वो भी एकदम लगातार और बहुत हजारों की तादाद में दिख रहे थे. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो जहां भी मैं देख रहा था सिर्फ मुझे डेफोडिल्स ही दिख रहे थे. मतलब वो ऐसी जगह चले गए थे जहां पे सिर्फ डेफोडिल्स के पौधे थे, तो ये जहां तक इनकी नजरें जा रही थी वहां तक सिर्फ उन्हें डेफोडिल्स का ही पौधा दिख रहा था. Along the margin of a bay, और जो वो झरना होता है उसके किनारे तक, मतलब हर एक जगह, beside the lake, beneath the trees, even bay के माँ, bay means क्या होता है, जो झरना का किनारा होता है, तो उस वहां तक भी ये जो daffodils हैं वो पूरे फैले हुए थे. 10,000 saw I at a glance, और at a glance मतलब सिर्फ एक झलक में मुझे कम से कम 10,000 daffodils दिख गए, मतलब कि वो इतने ज्यादा तादाद में थे कि लग रहा था कि मैं पूरे एक daffodils के ही गाँव में आ गया हूँ. और जब मुझे एक ही नजर में मुझे कितने दिख रहे थे, एक ही नजर में मुझे 10,000 डेफोडिल्स दिख रहे थे. टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, और सब अपने अपने जो हेड्स होते हैं वो ऐसे हिला रहे थे जैसे कि बहुत खुशी से नाच रहे हो, मतलब कि हवा में वो सब ऐसे हिल रहे थे फूल, कि एज इफ दे सीम्ड दैट दे आर डांसिंग. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और उनके बगल में जो वेव्स थे, मतलब जो झरने के वेव्स थे, जो नदी के वेव्स थे, वो भी डांस कर रहे थे, वो वेव्स भी झूम रहे थे, लेकिन वो आउटडिड, आउटडिड मतलब कि लेकिन उन वेव्स से भी ज्यादा घूम रहे थे, मतलब बेटर, आउटडिड मीन्स होता है बेटर, तो उस वेव्स से भी ज्यादा अच्छे से ये फूल जो है वो नाच रहे थे, मतलब कि वेव्स तो नाच रहे ही थे लेकिन वेव्स से भी ज्यादा ये डेफोडिल्स नाच रहे थे, झूम रहे थे. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी. जोकंड मीन्स सच अ प्लेजेंट कंपनी. ठीक है, एक इस लाइन में आप एक चीज नोटिस करेंगे, कुड नॉट बी गे नहीं है, ठीक है, कुड नॉट बट बी गे है, इसका मतलब ये होता है कि वो और कुछ नहीं कर सकता था खुश रहने के अलावा. गे मीन्स होता है जॉयस, खुश होना, लाइट फ्री होना. ठीक है, तो पोएट कुड नॉट
बट बी गे, मतलब कि वह वो खुश रहने के अलावा, अच्छा फील करने के अलावा और कुछ फील कर ही नहीं सकता था इतने प्लेजेंट कंपनी में। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मैं बस उनको देखता गया देखता गया देखता गया, और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस पूरे शो ने मुझे क्या ही दे दिया है, क्या खुशी दे दी है, क्या वेल्थ दे दिया है कि मैं इतना जल्दी अपने सैडनेस ओवरकम हो गया हूँ और इतने अच्छा प्लेजेंट फील कर रहा हूँ मैं। आखिर इस पूरे शो ने, बस डैफोडिल्स की झलक ने मेरे अंदर कौन सी वेल्थ पैदा कर दी है। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। ऑफ मीन्स है ऑफन, ठीक है। तो अब इसके बाद ये नजारा सा भी घर आ चुके हैं, ठीक है। तभी अभी लिखते हैं कि कई बार जब मैं काउच पे, मैं अपने सोफे पे पड़ा रहता हूँ, और जब कभी मैं एकदम वैकेंट, एकदम खाली मूड में रहता हूँ, एकदम अजीब मूड में रहता हूँ, टेंस्ड रहता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ, तब अचानक से वो सब जो व्यू है वो मेरी आंखों के अंदर एकदम अचानक से फ्लैश की तरह आ जाता है, और तब वो जो लोनलीनेस है वो सॉलिट्यूड में बदल जाती है। अब नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है, जब आप खुद अकेले रहना चाहते हैं, अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि आदमी थोड़ा टाइम मांगता है किसी से कि मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड सॉलिट्यूड। ओके, जब आप खुद के लिए अकेलापन ढूंढते हैं। लोनलीनेस मीन्स जब आपको लोग छोड़ के चले गए हो और आप अचानक से बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लोनलीनेस। तब ये क्या कहते हैं कि जब मैं सॉलिट्यूड में रहता हूँ, मतलब अपने अकेले टाइम में रहता हूँ जहां पे सिर्फ मैं और मैं रहता हूँ, अचानक से वो व्यू मेरे अंदर आ जाता है और वो मुझे अचानक से बहुत अच्छी खुशी दे जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और उसके बाद जैसे ही वो जो व्यू है वो मेरे पास आ जाता है, क्या फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरे हार्ट में बहुत प्लेजर भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और वो क्या करता है, वो डैफोडिल्स के साथ ही डांस करने लगता है। So this was all about the poem, Daffodils. Thank you very much.